सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि का आधार देशी गाय और ऐसी देशी गाय और उनकी ऐसी व्यवस्था आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। बहुत ही शानदार नस्ल जिनमें राठी और गिर गाय, उनसे बायोगैस बनाना, उनसे घन जीवामृत बनाना, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 प्रहरी अर्क जैसे कीट नियंत्रक। अभी हम आपको दिखा रहे हैं सत्यम फार्म की देशी गाय से सुसज्जित देशी गौशाला। आचार्य जी विस्तार पूर्वक इनकी नस्लों को बताएंगे। बहुत ही खूबसूरत नस्ल है और तरीका देखिए आप। जी आचार्य जी, ये देखिए राठी बछड़ा है, पैदा हुआ है अभी 2 महीने का है और वो उसकी माँ है राठी जो पड़ी है। अच्छा, सबको सेपरेट जगह दी गई है यहाँ और नीचे देखिए गद्दे बिछाए गए हैं और बिल्कुल मैं जब इस पे चल रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मुलायम मुझे महसूस हो रहा है। देखिए ये गीर बचिया है, बहुत ही शानदार गाय है ये, देखिए राठी गाय। और सबके लिए अलग स्थान दिया गया है, चारा किस तरह दिया जाता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा ये हमारा चारा देने का, ये इस तरह इनकी नादें बनी हुई हैं और इसके बगल में ही आप देख सकते हैं यहाँ इनके पूरे खाद्यान्न की पूरी व्यवस्था है। और देखो प्राकृतिक कीटनाशक सब ये सब जो भी गोबर गोमूत्र से जो भी प्राकृतिक कीटनाशक जिनमें अग्नियास्त्र, 10 प्रहरी अर्क, ये सारी आप देख सकते हैं इसमें। जी आप देख सकते हैं ये प्राकृतिक रूप से जो भी कीट नियंत्रक जो बनते हैं वो इसमें रखे गए हैं। और यहाँ इनके गायों की भोजन की व्यवस्था है आप देख सकते हैं। एक आप यहाँ देखिए उनकी न्यूट्रिशन की पूरी खास ख्याल रखा गया है और आप देखिएगा। और इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे फार्म को बहुत खूबसूरत तरीके से संचालित कर रहे हैं इस फार्म के ओनर श्री रविकांत दुबे जी। आपकी गौशाला काबिले तारीफ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वस्थ और एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक प्रॉपर मैनरफुल आपने जो गाय का पालन किया है, आप इसके बारे में बताएं ये कौन सी नस्ल है और किस तरह आप ये भी आपका एक चैम्बर है इसके बारे में बताएं। हमारे पास सचिन जी 2 प्रकार की नस्लें हैं, एक राठी है जो कि हम श्रीगंगानगर से एक गाय लाए थे, उस गाय से 2 बछियाँ और 1 बछड़ा, ये पूरे 4 जानवर इस तरीके से यहाँ पर राठी नस्ल की 3 गाय और 1 बछड़ा। राठी नस्ल की गाय यहाँ के वातावरण के हिसाब से बहुत अच्छी है क्योंकि गर्म जगह में जो मैंने अनुभव किया है राठी गाय बहुत ही सक्सेस है, अच्छा दूध देती है। ये आप देख सकते हैं ये बछड़ा है जी, ये गाय है, ये 5 महीने की गाभिन है बछिया, बहुत बढ़िया है, पहली बछिया है इसकी, इस गाय की जो हम लेके आए थे, ये सब सबसे बड़ी है, ये गाय लेके आए थे इसकी ये पहली बछिया है। अच्छा अच्छा, ये 5 महीने की गाभिन हो चुकी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये दूसरी बछिया है इसकी, देख सकते हैं आप एक ही गाय से पूरा परिवार बढ़ाया है। ये इनकी माँ है, ये कह सकते हैं ये माँ है, कम इस समय भी 18 लीटर दूध कम से कम गाय देती है। वाह, 18 लीटर दूध देशी गाय राठी नस्ल की आप देख सकते हैं और एक एक बूंद यहाँ इसका गोमूत्र का आप देख सकते हैं, यहाँ अभी बिल्कुल ये इसका आप अडर देख सकते हैं और अभी दूध निकल गया है इसका। और यहाँ देखिए गोमूत्र का एक एक बूंद का कलेक्शन आप यहाँ देखिए, ये इस तरह ढलान नुमा बनाया गया है। देखिए यहाँ इसने जैसे गोमूत्र किया, आप देखिए कितनी तेजी से नाली की तरफ आ रहा है, ये देखिए आप, ये देखिए लाइव आप, ये देखिए आप, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए गाय सुन रही है, गाय सुन रही है क्या दिखाया जा रहा है, ये गोमूत्र देखिए आप, ये गोमूत्र कर रही है और सीधा बड़ी मात्रा में गोमूत्र नाली में जा रहा है, देखिए आप ये देखिए, और ये नाली से होती हुई देखिए कितनी तेजी से आप देख सकते हैं, ये इस तरह कहाँ जाएगा, ये हाँ इन्होंने चैम्बर बनाया हुआ है और यहाँ देखिए पहले छलनी लगी हुई इस पर बिल्कुल साफ हो जाता है यहाँ से, और यहाँ देखिए ये चैम्बर है और इस चैम्बर से होता हुआ वहाँ बाहर टंकी रखी हुई है उसमें सीधा कलेक्ट हो जाता है। तो बूंद बूंद गोमूत्र का इस्तेमाल। और अब बताएंगे भाई साहब इनके बारे में क्या क्या आते हैं। ये हम इनको गेहूँ बिल्कुल ही नगण्य रूप से खिलाते हैं, हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मक्का, चने की चोकर, जाड़े के मौसम में, गर्मी के मौसम में जौ, इसको यहाँ पर जवा बोलते हैं, और दोनों को मिक्स करके उसके बाद इसमें 1 क्विंटल में 1 किलो सेंधा नमक, 1 किलो हल्दी और 1 किलो न्यूट्रिशंस को डाल देते हैं। इसके साथ साथ मैं जी, इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ यहाँ मीठा मीठा संगीत आपने गायों की व्यवस्था कर रखी है, संगीत की भी आपको तो शौक है ही जी, इसके बारे में गायों को भी संगीत का एक विशेष महत्व बताया गया है कि गाय भी भगवान कृष्ण के चूंकि उसमें रहते थे तो इसलिए गायों को भी क्या बात, संगीत सुनने का बहुत, एक संगीत सुनने से भी बहुत अधिक आनंद आता है, उसके लिए हम उनकी ये पूर्ति करते हैं और हमने म्यूजिक सिस्टम भी उनको यहाँ पर लगा रखा है, क्या बात, यहाँ पर म्यूजिक
और गाय ने भी हमारी सुनी, आप देख सकते हैं दो गौवंशों ने अभी जब गौमूत्र की बात आई कलेक्शन की तो हमें लाइव उन्होंने करके दिखाया, तो गौ माता का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने पूरा बताया कि किस तरह देखरेख के लिए पूरा चैम्बर बनाया गया है। इसके साथ भाई साहब को भी संगीत का बहुत ही ज़्यादा शौक है और इन्होंने इस फार्म की जो बिल्डिंग है उसकी तीसरी मंजिल पर पूरा सेटअप लगाया हुआ है संगीत का, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। तो ये वीडियो कई पार्ट में होने वाली है, इसका आनंद लीजिएगा। ये देखिए, ये इनका ये हमारी दूसरी नस्ल है जी, दूसरे चैम्बर में आए हम, ये दूसरी नस्ल है, इसको गिर बोलते हैं। ये गिर गाय की नस्ल, खास बात ये है कि जितनी भी आप यहाँ पर बछिया गाय देख रहे हैं केवल एक गाय राठी हम बाहर से लाए, बाकी सब मैंने यहीं पर इनका वो जो सीमन से अच्छे सीमन से जिस नस्ल का गाय है उसी नस्ल का सीमन मंगवा कर और इसका एक जैसी नस्ल संवर्धन करना। बिल्कुल आचार्य जी, नस्ल संवर्धन का सबसे बेहतरीन उदाहरण ये है क्योंकि बेहतरीन क्वालिटी का सीमन बाहर से लाके जिस प्रजाति की गाय है उसी प्रजाति का रखा गया है, तो दुबे जी ने बराबर इसको मेंटेन किया है, इसीलिए देखिए सुंदर बछिया। ये देखिए बछिया है, अभी 2 साल की होने के करीब है, लेकिन आप इसके ऊपर पूरी फिगर देखिए, आज ही हीट में आई है। ये पीछे देखिए डिस्चार्ज, देखिए दोनों गाय बहुत खूबसूरत, और ये भी नीचे डिस्चार्ज देखो आप, अभी हीट में आ रही है। अच्छा, ये आचार्य जी विशेष पहचान रखते हैं, बहुत ही शानदार गिर नस्ल की गाय आप देख सकते हैं, हाइट देखिए गाय की, ऊंचाई देखिए आप, और कितने सवा दो साल की मात्र इतनी खूबसूरत गाय, मतलब हृदय प्रसन्न हो गया, शब्द नहीं है मेरे पास इस प्रसन्नता को पूरा करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत आपने काम किया है और ऐसे फार्म विजिट करने चाहिए सभी लोगों के लिए, ऐसे फार्म एक प्रेरणा बने हुए हैं, बहुत ही शानदार। जो भी इस फार्म को देख रहा है वो मुझे लगता है इस फार्म से जरूर प्रेरित होगा। यहाँ गायों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं रखी गई है, देख सकते हैं बड़ा पंखा लगाया गया है जो कि दोनों तरफ दोनों चैम्बर हैं, जिसमें राठी नस्ल की गाय और गिर नस्ल की गाय की पूरे चैम्बर, दोनों चैम्बर में ये देखिए बड़ा पंखा ठंडी हवा इनको दे रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ फॉगर लगे हुए हैं, देखिए हर गाय के नीचे आप ये देखेंगे चिड़िया लगी हुई है, फॉगर लगे हुए हैं इनसे, ये पूरा आप देख सकते हैं इसमें टैंक में पानी भरा हुआ है यहाँ, और ये देखिए और इस टिल्लू के माध्यम से ये यहाँ से ये फॉगर चलते हैं। गेट है और ये जो आप स्थान देख रहे हैं पूरा गाय के टहलने के लिए चराने के लिए ये पूरा स्थान है, और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ गाय की हर एक चीज़ के लिए गाय के हर एक चीज़ के लिए यहाँ ध्यान दिया गया है। ये देखिए सेंधा नमक देख सकते हैं आप, ये सेंधा नमक यहाँ रखा गया है और जिसको आप निशान देख रहे होंगे गायों ने भरपूर मात्रा में इसको चाटा है, खाया है, तो ये सेंधा नमक भी यहाँ है। दूसरी बात, कभी कोई गाय अगर परेशान हो जाती है या कोई परेशानी होती है उसको कोई ट्रीटमेंट देना होता है तो उसके लिए ये एक सेटअप बनाया गया है जो कि आप पशु चिकित्सालय में देखते होंगे अधिकतर इस तरह का सेटअप होता है, यहाँ गाय को आसानी से चिकित्सा दी जाती है, लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इमरजेंसी के लिए ये भाई साहब ने बनाया है। गायों की ऐसी व्यवस्था आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, देखिए मैं आपको विस्तारपूर्वक एक गौशाला दिखाने वाला हूँ। ये गायों के टहलने का स्थान सचिन जी बनाया गया था। जी जी जी, इस टहलने में जो बुंदेलखंड है यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत कम रहती है, हमने यहाँ पर घास लगाई, ठीक है, घास लगाकर ये स्प्रिंकलर लगा दिया ऊपर पे, जिससे कि इसकी तराई वो उसको पानी मिल जाता है, घास अच्छी रहती है, इससे कि यहाँ पर गाय के टहलने की व्यवस्था रहती है। आप देख सकते हैं स्प्रिंकलर द्वारा यहाँ जो घास को नमी दी जा रही है जिससे निरंतर 12 महीने घास मिलती रहे गायों के लिए, और आप ये देख सकते हैं कुछ और दिखा रहे हैं भाई साहब, कभी किसी ट्यूबवेल में नहाने का मन करता है। वाह, यहाँ देखिए ये नहाने की व्यवस्था है, क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत शानदार जगह है, और एक एक बूंद का एक एक बूंद पानी का इस्तेमाल ये खेती में करते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा स्नान करने के लिए पूरा एक सेटअप बनाया है, और ये जो देख रहे हैं आप ये गायों के पानी पीने की जगह है, आप ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ ड्रम, और सामने क्या खूबसूरत स्प्रिंकलर आप देख रहे होंगे, और ज़बरदस्त बारिश जैसा माहौल, बहुत ही लाजवाब। ऐसे ही गाय चरने के लिए यहाँ आती है, और जैसे ही एंटर करती है तो सबसे पहले गाय यहाँ, जैसे खुर देख रहे होंगे गाय के, यहाँ जो खुर बने हुए हैं तो गायें यहाँ आकर सबसे पहले अपने आप को यहाँ खुजलाती हैं। ये जो ब्रश देख रहे हैं आप और ये स्प्रिंग देख रहे हैं आप, जैसे ये ऊपर नीचे आसानी से हो जाता है, और देखिए इसमें चिड़िया भी, चिड़िया अंडा रखे यहाँ, देखिए यह खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखेंगे आप देख रहे हैं अंदर चिड़िया के अंडे रखे हैं जी, वाह हर जगह प्रकृति का सौंदर्य। आप यहाँ देखेंगे ये जगह देखेंगे आप, ये भी ब्रश साइड खुजाने के लिए, तो गाय दोनों तरह यहाँ खुजलाती हैं अपने आप को, और अरे चिंता मत कर हम कोई नुकसान नहीं करेंगे। और इसके अलावा अब मैं आपको गौवंश दिखाने वाला हूँ, और हमें देखते ही देखिए गौ माता किस तरह हमसे दुलार करने आई है, और बहुत ही प्यारा खूबसूरत गौवंश और इनकी व्यवस्था मैंने तो आज तक नहीं देखी। ये देखिए ये गिर नस्ल की गाय, बहुत ही खूबसूरत गाय। अब मैं आपको इतनी प्यारी गाय, इतना प्यारा कलेक्शन देशी गायों का
इतना अच्छा सेटअप, सबसे पहले आपके अंदर ये विचार कहाँ से आया कि मैं गाय पालूँ, प्राकृतिक खेती करूँ? सचिन जी, विचार तो सुभाष पालेकर कृषि का आया था जी। कृषि के माध्यम से पहली आवश्यकता सुभाष पालेकर कृषि में जो है विषमुक्त कृषि में पहली आवश्यकता देसी गाय की होती है। बिल्कुल, देसी गाय में चूँकि जो भी लोकल में गाय मिल रही है, सब गाय जर्सी के चक्कर में, सब पूरी गायों की ब्रीड पूरी ख़राब हो चुकी है। सही है, कोई देसी गाय जो घूम रही हैं वो देसी नहीं बची है। किसी के झल्लर नहीं है, किसी के टाटा नहीं है, बिल्कुल कंबल नहीं है, तो ना नाभि है। तो इसलिए हमने विचार किया कि जब गाय रखना है तो गाय को अच्छी नस्ल का ही रखना है। जी, नस्ल संवर्धन पर भी हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक गिर गाय हम लाए थे, उस गिर गाय के से हमने 3 बछियाँ बनाई हैं। ये राठ और इसकी बछिया ये है। अच्छा, इसकी बछिया ये है, ये देख सकते हैं यहाँ केवल 2 माओं से ये पूरी गौशाला आगे बढ़ी है, जिनमें आप देख सकते हैं जो गिर की जो पहली बछिया ये हुई जी, दूसरी बछिया वो है, और इस बछिया से ये हुई। बहुत बढ़िया गिर है मेरे पास। ये राठी मैं लाया था श्रीगंगानगर से गाय, इसका प्रचार किया गया था राजस्थान की महारानी, उस समय देखते ही मैंने इसको पसंद किया था। अच्छा, राजस्थान से गाय लेके आया था। ये राठी गाय आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत गाय, जो कि श्री गंगानगर से इस गाय को लाया गया था, उसने प्रचार जो कर रखा था जी यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, गोवर्धन डेयरी फार्म करके था, उसने इसको राजस्थान की महारानी करके इसका फोटो वगैरह डाल रखा था। उसको देख के हम गए वहाँ पर, श्री गंगानगर में एक जगह कमीनपुरा है, वहाँ कमीनपुरा से देखा तो जैसा उसने फोटो डाला था वास्तव में वैसी गाय थी, इसलिए मैंने उसको जितना उसने बताया उतना पैसा देकर इस गाय को लिया। गाय आई उसके बाद ये बछिया पैदा हुई जी, ये बछिया भी अब 5 महीने की गाभिन है। वाह, तो 5 महीने, 4.5 महीने बाद। और राठी गाय से एक और बछिया है, इससे एक बछिया और मिली है जी। और ये जो आप देख रहे हैं ये सामने, ये भी राठी नस्ल का ही है, मेल है फीमेल है? मेल। अच्छा, मेल हुआ इस बार आप देख रहे हैं, शुद्ध राठी नस्ल का है। ये सीमन हम भी यहाँ राठी का नहीं मिला जी, तो हमने सीमन राजस्थान से गाड़ी भेज के सीमन मंगाया, लगभग 7,000 रुपये खर्चा आया केवल सीमन सीमन मंगा के रखा हुआ है। वो राठी में राठी का ही सीमन डलवाता हूँ। वाह, ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये भी राठी का ही सीमन पड़ा था, बढ़िया नस्ल का, ये शानदार बोल तैयार होगा, ये थाट भी अच्छी है, बनावट बहुत बढ़िया, माथा देख भी ढंग से पिलवाया जा रहा है इसको, नहीं स्वस्थ है, बहुत खूबसूरत। तो आपके फार्म की कुल एरिया कितनी है ये जिसपे आप ये पूरे? देखिए, मात्र 2 एकड़ फार्म में सैकड़ों तरह के पेड़ पौधे, बड़े वृक्ष, इंच इंच जमीन का इस्तेमाल, बूंद बूंद पानी का इस्तेमाल, देसी गाय की ऐसी व्यवस्था मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। हर चीज़ यूनिक है अपने आप में, यहाँ देखने लायक है, समझने लायक है। और जो भी प्राकृतिक खेती, सुभाष पालेकर विधि या गौ आधारित खेती या इस कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहते हैं कि हम विषमुक्त खेती करें, गाय पालें, तो इस वीडियो के माध्यम से आप जितना सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपको सिखाने वाली कोई दूसरी वीडियो आपको YouTube जगत में नहीं मिलेगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूँ कई भागों के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब का जो पैतृक निवास है वो कभी ज़िला हमारे फिरोजाबाद से जुड़ा हुआ था, हमारा फिरोजाबाद जो मैनपुरी ज़िला से जुड़ा हुआ था पहले कभी, तो मैनपुरी ज़िला से ही भाई साहब भोगांव जगह है, एक भोगांव से निवास करते हैं, पैतृक निवासी वहाँ के हैं। और पिछले कितने वर्षों से आप झांसी में आ गए हैं? आप 98 में आए, 26 साल पहले भाई साहब भोगांव से, अपने गांव से यहां झांसी में स्थाई यहां भाई साहब ने अपना निवास बनाया, और फिर धीरे 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 कई प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया, और आज इनके हर प्रोजेक्ट्स, ये तो केवल इनका एक फार्म है जो कि इनको लगता है कि कुछ ऐसे कार्य भी अपने द्वारा कर दिए जाएँ जो लोगों के लिए प्रेरणा बने और जो एक आंतरिक सुकून पैदा करें। ये केवल एक आंतरिक सुकून देने के लिए एक उन्होंने अपना फार्म तैयार किया है कि सुबह घूमें, टहलें, सैकड़ों तरह के पेड़ पौधे, पंछी, उनके कलरव और जो सुगंध है फूलों की, और जो देसी गाय के पास बैठने का जो आनंद है, जो उनका एक वातावरण है, उनका जो हवामंडल है, जैसे कि आप देख रहे हैं हाथ में एक छोटी सी लकड़ी और एक ग्वाला बन के भाई साहब गाय चला, लेकिन भाई साहब का एक दूसरा कार्य है, पतंजलि का भाई साहब का एक बहुत बड़ा काम है, 10 जिलों में फैला हुआ है, वृक्ष की एक फैक्ट्री है, कई प्रोजेक्ट्स पर कंस्ट्रक्शन वर्क में भी भाई साहब टेंडर लेते हैं, तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं और ये सब देसी गाय का आशीर्वाद है। प्रेरणा तो हम क्या देंगे, प्रेरणा तो सुभाष पालेकर जी से लेनी चाहिए जी। उन्होंने एक ऐसा मॉडल दिया जिसमें विषमुक्त कृषि का हम उत्पादन कर सकें और अपने को स्वस्थ रख सकें। उसी क्रम में हमने यहाँ पर ये फार्म का काम जो है शुरू किया कि हम लोग खुद अपना जो खा रहे हैं वो तो कम से कम शुद्ध रूप से बिना खाद का, बिना जहर का खाएं। यही सब सभी से भी अपेक्षा की जाती है कि जो जिस तरह सक्षम लोग हैं
वो इस पद्धति पे पहले काम करके विषमुक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उनको उगाने का प्रयास शुरू करें, जिससे कि हम लोग एक स्वस्थ संसार बना सकें, सभी को स्वस्थ रख सकें। इसलिए सभी को इस तरफ ध्यान देने की अवश्य आवश्यकता है। खासकर जो किसान बड़े किसान भी हैं वो भी अपने में छोटा छोटा एक एक दो दो एकड़ में प्रयोग करना शुरू करें। इससे प्रयोग करेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से अनुभव आएगा और उसके आधार पर वह पूरे के पूरे अपने फार्म में पूरी खेती में इस पद्धति का उपयोग करके खेती करेंगे, जिससे कि एक अपना भारतवर्ष पुनः सोने की चिड़िया बनने की तरफ अग्रसर होगा। और सोना देखिए आप जी, जिस तरह आज हम जो सरकारी गौशालाएं हैं उनमें गायों की जो दशा देखते हैं, क्या हमें नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता कि उनमें वर्गीकरण होना चाहिए? जो देसी नस्ल की गाय हैं और जो जर्सी गाय हैं, जो HF है, उनको एक साथ रखा जा रहा है और ना तो उनका गोबर किसी काम में आ रहा है, ना गोमूत्र काम में आ रहा है, और उनके ऊपर पूरा खर्चा किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इस समय नस्ल संवर्धन की, जिसको ज़्यादातर लोग देसी गाय कह रहे हैं। वो देसी गाय बची नहीं है जी, उनके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि एक युग आया था, हमें ध्यान है, उस समय सब लोग अपनी गाय को जर्सी गाय से क्रॉस कराना चाह रहे थे, सब लोग जर्सी बनाना चाह रहे थे। तो जर्सी गाय का सीमन सब जो देसी अपने भारतवर्ष की मूल गाय थी उनमें सब में पता चला, जर्सी गाय का सीमन डाल के सब गायों को क्रॉस कर दिया गया। अब वो ना देसी रहीं ना जर्सी रहीं, बीच में अब वही नस्ल बढ़ती चली जा रही है, वही बुल हो गए उसी तरीके से। तो नस्ल संवर्धन के लिए सबसे बड़ी पहले जो आवश्यकता है गवर्नमेंट को भी तथा जो सक्षम लोग हैं उन्हें भी, कि अच्छे नस्ल के बुल, अच्छे स्वस्थ नस्ल, अच्छी बढ़िया नस्ल के, शुद्ध नस्ल के बुल का रखरखाव करें। और उसके बाद सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि उसके लिए सक्षम व्यक्तियों को आगे आना पड़ेगा जी। जब जिस नस्ल की गाय है उसी नस्ल का बुल होना चाहिए। इस पद्धति पे जब हम चलेंगे तभी एक अच्छी गायों की नस्ल आएगी। जब गायों की अच्छी नस्ल आएगी, अब देसी गाय 18 लीटर दूध देती है, तो क्या आवश्यकता है जर्सी और उसकी, देसी गाय जो कम कभी उसमें रोग नहीं लगता, अपने बच्चों को पूरा ममत्व देती है। जर्सी गाय तो अपने बच्चों को कभी देखने नहीं चाहती, उसकी आवश्यकता नहीं महसूस करती। तो जब वो उसका दूध जब पिलाया जाता है तो अपने जो नस्ल मानव नस्ल है उसकी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही आज उसकी भी भावनाओं को वो खत्म कर देती है, भावनाएं सब खत्म हो जाती हैं जी। इसीलिए अपनी देसी नस्ल की गायों का संवर्धन करें और अच्छे दूध उत्पादन की जब गायें होंगी तो वो सड़कों पर नहीं घूमेंगी और उनको सभी लोग अपने घरों उनके गोबर गोमूत्र का इस्तेमाल भी हम खेतों में करें, इस्तेमाल करेंगे, दूध भी अच्छा मिलेगा, बिल्कुल सही, क्यों नहीं रखा जाएगा। ये देखिएगा जिस गाय की बात कर रहे हैं भाई साहब, 18 लीटर दूध देती है, ये देख सकते हैं आप, इसका थन देख सकते हैं, बनावट देख सकते हैं। और केवल फोटो देखकर भाई साहब राजस्थान पहुँचे थे, जो कि राजस्थान की महारानी इसको बताया गया था और जैसा दिखाया गया भाई वैसी ही निकली और भाई साहब ने तत्काल इसको वहाँ से लेकर आए। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी विस्तार से अपने फार्म को, अपने कार्य को हम सब किसानों तक, ये पूरे भारतवर्ष के लोग आपको देख रहे हैं और ये आपसे ज़रूर प्रेरणा लेंगे, हम सब आपसे ज़रूर प्रेरणा लेंगे। और ये सब सीखने के लिए ये एक तरह आपने सेटअप तैयार किया है, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए ही तैयार किया गया है, क्योंकि अगर कमर्शियली करें तो ये इसके लिए बड़ी जगह चाहिए। तो एक तरह यहाँ पूरा एक सेटअप है कि इन जगह का इस्तेमाल कैसे किया जाए और किस तरह हम गाय आधारित स्वास्थ्य पालेकर कृषि, जिसमें गौपालन, जिसमें गाय की व्यवस्था, जिसमें नस्ल संवर्धन, जिसमें गोबर गैस, जिसमें सैकड़ों प्रकार की फसलें, जिसमें स्वास्थ्य, जिसमें स्वस्थ जहर मुक्त अनाज, फल, सब्जियां, बहुत कुछ। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।